आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी हमें फोन पर सूचना मिली थी, नैन चौक के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी सीढ़ी पर उल्टी पड़ी है। अब यहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मौके पर भीड़ भी जमा हो रही है, लोग देखकर हैरान हो रहे हैं कि इस तरह से डेड बॉडी कैसे पड़ी हो सकती है। आइए पता करते हैं क्या मामला है, मर्डर है या कोई और केस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग उत्सुकतावश देख रहे हैं सीढ़ियों की तरफ जहाँ पर व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। क्या भाई, क्या दिक्कत, क्या करें, क्या हुआ यहाँ पे? बंदा लेटा पड़ा है सीढ़ियों पे, उल्टा, खत्म है, खत्म है कहानी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आदमी है? आदमी तो देखा नहीं आपने भी यार, अभी आदमी है ना, आदमी है। चलो हमने तो देख लिया, चलो धन्यवाद आपका। खून निकल रहा है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देख सकते हैं नैन चौक के पास, देखिए सामने जाएंगे तो नैन चौक आएगा और सारण चौक का एरिया पड़ता है। ये शटर है और बगल में एक छोटा सा शटर है और शटर सीधा ऊपर जाता है, मुझे लगता है ऊपर कोई किराएदार रहता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पता करेंगे। यहाँ पर जो रहता होगा वही बता पाएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पुलिस अपना काम करे, देखिए, और शायद एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया गया है, फोरेंसिक को भी बुलाया जाएगा, क्राइम ब्रांच की भी टीमें हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या दिख रहा है? इन्हों से पूछो, किसका घर है, घर किसका है? ये दुकान है भैया, आओ थोड़ा सा जानकारी दो, आ जाओ आ जाओ। शॉप है, ये आदमी उल्टा उल्टा पड़ा है सीढ़ियों पर जो है। देखिए पुलिस भी अपनी जानकारी जुटा रही है कि आखिर किसका मकान है और आखिर हुआ क्या है, और जो भी सूचना यहाँ पर मिल रही पुलिस को दी जा रही है। अब पता नहीं चल पा रहा है कि भाई यहाँ पर व्यक्ति की डेड बॉडी उल्टी कैसे पड़ी है, क्या वो गिरा है या उसको फेंका गया है? क्यों भाई? फिसलने से व्यक्ति की मौत हो गई है, फिसलने से, फिसलने से, उल्टा पड़ा हुआ ना, यही समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मंजिला मकान है, दो मंजिला? एक ही मंजिला मकान है, सीढ़ी एक ही है ना, सीढ़ी एक ही है, वही समझ में नहीं आ रहा, एक ही सीढ़ी से कैसे उल्टा गिरा, खत्म हो गया। हाँ, अकेला यहाँ किराए पे रहता था ऊपर। अच्छा, किराए पे रहता था। हाँ, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्या नाम है इसका? नहीं, मैं किराएदार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा जी, आप कुछ जानते हो भाई? ना, मैं नहीं, कोई नहीं जानता। दुकान बंद है, यही दुकान वाले को पता होगा कि भाई ये आदमी कौन है। ये तो किराए पे रहता है, ये तो है, ये वकील अंकल। अच्छा, वकील साहब, आर के तंवर एडवोकेट है, इन्हीं का है या ये भी किराए पे? इन्हीं का है। अच्छा, इन्हीं का। और आपके तंवर दिनेश? हाँ, एडवोकेट। अच्छा, और चलो जी, पुलिस जांच पड़ताल कर। त्योहार मनाने के लिए अपने गांव गए हुए हैं। अच्छा, वो तो त्योहार गए हैं। हाँ, अपने गांव गए हुए हैं। चलो जी, पुलिस कर रही कार्रवाई। हाँ जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही। छोटा शटर है जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, और उसी पर कह रहे हैं कि कोई आदमी उल्टा पड़ा है, खत्म है, खत्म है ना, टाइम भी हो गया, काफी टाइम हो गया, काफी देर हो गई मुझे लगता है। हाँ, ब्लड जमा हुआ है। चलो, ब्लड समझ में नहीं आ रहा है तो पुलिस को भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ब्लड देख के जैसे। यहाँ पर टीमें आई हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें भी आई हैं, और सारण थाना पड़ता है, सारण थाने की भी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है कार्रवाई करने के लिए। तो नैन चौक के पास क्या बोलते हैं भैया? नंगला रोड बोलते हैं, नंगला रोड, जवाहर कॉलोनी। हाँ, सारण से नैन चौक की तरफ रास्ता जाता पुल वाला रोड, और नंगला रोड ही बोलते हैं इसको भी, जो जवाहर कॉलोनी से नंगला की तरफ जाता है। और यहीं पर बीच रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को ये मर्डर है या अपने आप गिर गया, खत्म हो गया, उल्टी पड़ी है, ये समझ नहीं आ रहा कि उल्टी कैसे पड़ी है। क्यों भाई साहब? हाँ जी, डाउटफुल यही लग रहा है। पुलिस सूचना एकत्रित कर रही है और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा पुलिस करेगी, शायद फोरेंसिक को भी बुलाया जाए और एम्बुलेंस को भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद डेड बॉडी को बीके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, तो हमें अपडेट मिली थी तो हम यहां पर आए, और जो सूचना मिली थी वो सूचना सही साबित हुई है कि यहां पर एक डेड बॉडी मिली है, और पुलिस अपनी सूचनाएँ एकत्रित करे। क्या हुआ तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, और SHO साहब भी आए। SHO साहब नमस्कार, क्या हाल है, ठीक है, क्या है, कुछ बताएंगे? डेड बॉडी पर जांच कर रहे हैं, फोरेंसिक को बुलाया है कि एम्बुलेंस से सीधा बीके जाए? जांच कर रहे हैं, अभी जांच कर जांच कर रहे हैं। उम्र वगैरह कुछ पता चल रही है, कितनी उम्र है इसकी?
उम्र वगैरह डिटेल दूंगा आपको, थोड़ा वेट करो। चलो जी ठीक है, जो भी जानकारी होगी SHO साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, सूचनाएं एकत्रित करने के बाद अपडेट दी जाएगी, क्योंकि अभी तो डेड बॉडी देखी गई है और डेड बॉडी उल्टी पड़ी है, तो अभी तो एम्बुलेंस आएगी, फोरेंसिक आएगी, उसके बाद जो भी डिटेल मिलेगी पुलिस उसके बाद मीडिया को साझा करेगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं SHO साहब भी आ गए और भी पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं नीली बत्ती वाली, तो मुझे लगता है ACP साहब वगैरह भी आ सकते हैं और भी क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें भी यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ भैया डाउटफुल केस है, हो सकता है मर्डर हो, ये तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच की भी टीमें हैं और SHO साहब भी हैं, सारण थाने के लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो छोटा शटर जो बगल में है वही है जो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर की तरफ, जो रास्ता जा रहा है वहीं पर उल्टा पड़ा हुआ है आदमी, ख़त्म है, डेड है। कोई जानकारी और मिलेगी तो आपको बताएँगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।